हेलो यूट्यूब हेलो फैमिली, फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, इसके लिए आपको हमारा ये फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए, ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, इसके बिल्कुल ना करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अच्छा, वो है गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन कब का बना है? गुलाब जामुन तो कल शाम का बना है। कल शाम का बना है, घबराइए नहीं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो तो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के लिए मिठाइयाँ ले रहे हैं, तो दुकान वाले से वही पूछ रहे हैं कि जो यहाँ के ऑनर हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं, अंकल जी हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं पूछ रही थी उनके बारे में कि अब वो कैसे हैं, कब तक आएंगे। तो मिठाइयाँ ले लेते हैं, फिर मैं वही बातें कर रही थी। तो काफ़ी सोचते विचारते बहुत सारी मिठाइयाँ देखी, तो देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ, कन्फ्यूज़ हो गए क्या लें क्या लें क्या लें। बहुत ही सोचते विचारते गुलाब जामुन लिया मैंने, क्योंकि गुलाब जामुन सबको पसंद है, और वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके लिए चिप्स लिया। क्या लेनी है सॉरी? मुझे इतने सारे चिप्स। इतने सारे चिप्स तो उसमें तो वो तो मिलेगा ही, और क्या चाहिए? कितना पसीना हुआ है तुम्हें? बस तुम्हें क्या चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत मासूम है। तो हम आ गए हैं अपने मायके। जी हाँ, मैं अपने मायके आई हूँ, और यहाँ पे मेरी बुआ भी आई हुई हैं 2-3 दिन से, और बुआ से मैं 2 साल के बाद मिल रही हूँ। बहन की शादी में ही मिली थी, उसके बाद से अब मिल रही हूँ, क्योंकि बुआ की तबीयत ख़राब है तो यहाँ पे आई हैं वो इलाज के लिए। तो ये हमारा डॉगी है और ये हमारा मायका है, बताइएगा कैसा है। और ये मेरी मम्मी है, किचन में काम कर रही थी और मैं अचानक से पहुंच गई। और ये मेरी बुआ है, और उस तरफ मेरे पापा हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं वो। तो बुआ से मिलके काफ़ी खुशी हुई। और ये मेरे बुआ के, ये मेरा बेटा है सॉरी, और ये काफ़ी डॉगी के साथ बहुत क्लोज है, इसलिए इससे खेलता रहता है। और बुआ से बातें कर रहे हैं, ये देखिए इससे किस तरह से ये खेलता है, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाता है। और इसको सॉरी को पेट्स से बहुत ही लगाव है, इसलिए मना तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मना करने के बाद भी ये मानेगा नहीं बिल्कुल। तो इसको तो यहाँ पे आने का बिल्कुल बहाना चाहिए कि नानी के घर जाना है और पेट से खेलना है। तो ये मैं बुआ से बातें कर रही हूँ कि कैसी तबीयत है, और ये बुआ के नाती पोता हैं सब, और ये मेरी भाभी हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ चुकी है, क्योंकि उसको भी बुआ से मिलना था, तो वही हम सब लोग मिल के बातें कर रहे हैं। और सब लोग हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं भाभी से। खैर तो मैं पहली बार मिली हूँ, तो ये वंशिका है पीछे से। और इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि फ़ोन उठाने का और वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं, होश ही नहीं था, टाइम की बात नहीं, होश ही नहीं था कि कोई वीडियो बनाए। बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे बातें किए जा रहे हैं सब लोग, ना टाइम का पता चल रहा है ना कुछ। तो ब्लॉग तो ऐसे ही चलता रहेगा, एक दूसरे से बातें होती रहेंगी। तो ब्लॉग का मैं यहीं पे अंत करती हूँ, और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय सबको।